बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्मसंबंधी सुंदर साथ जी, जैसा कि हमें विदित हो चुका है कि आज का विषय क्या है, और इसी विषय को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी से इस चर्चा को प्रारंभ कर रहा हूं। प्रकाश की वाणी है प्रकरण संख्या 33 और चौपाई संख्या है 32। देखियो खेल मिलियो सब साथ, जागने रास बड़ो विलास, खेलते हंसते चले वतन, धनी साथ सब होए प्रसन्न, धनी साथ सब होए प्रसन्न। यह ब्रह्मांड हम मेहर सागर के पाठ में कहते हैं दुख रूपी इन जिमी में, तो यह दुख का संसार, इसमें कहीं कहीं किसी किसी रूप में क्षणिक सुखों की हमें प्राप्ति होती रहती है। अलग अलग साधनों से, अलग अलग माध्यमों से हम उन्हें प्राप्त करते हैं, और उन्हीं क्षणिक सुखों को हम इस तरह से अपना लेते हैं कि उससे निकल करके सोचने की भी हम नहीं सोच सकते। एक शब्द है दुख। दुख का विपरीत शब्द क्या होता है? सुख। और सुख का विपरीत है दुख। आज का विषय जागनी रास का है, और रास का अर्थ होता है आनंद, रसो वही सह रास। जैसा कि मैंने कहा, दो शब्द हैं एक दूसरे के विपरीत। दुख का विपरीत सुख हो सकता है, सुख का विपरीत दुख हो सकता है, लेकिन आनंद का विपरीतार्थक शब्द क्या है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं। यदि हम कहें कि हमें सुख चाहिए, तो उसके साथ में दुख भी आता ही है, लेकिन जब हम बात करें आनंद की, हम आनंद का कोई विपरीतार्थक शब्द ही नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि है ही नहीं। आनंद किसका स्वरूप है? ब्रह्म का। इस संसार में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, दो गुण है, एक सुख का, एक दुख का, जिनको मैं सुख कह रहा हूं, जिनको आप सुख समझ रहे हैं, यदि गहराई से, विवेक दृष्टि से, तारतम्य की दृष्टि से या दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए, तो वह भी दुख ही है। विवेकी व्यक्ति उस सुख को भी दुख ही समझ करके छोड़ देता है। योग दर्शन में सुख और दुख के विषय में बताते हुए हमें आनंद की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है कि जिनको हम दुख समझते हैं वो क्या है? जिसके प्रति हमारी आशा हो, जिसको पाने की हमारी तृष्णा हो, उसकी प्राप्ति न होना दुख है, और सुख क्या है? उनकी प्राप्ति हो जाना। लेकिन सुख को भी विवेकी व्यक्ति दुख कैसे मान लेता है, ये सोचने का, समझने का विषय है। और वो इस तरह से
कि वैसे तो मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है, अनेकों बार दिया है, और हमने स्वयं अपने जीवन में भोगा है इस चीज को कि जैसे आज सुबह सबने नाश्ता किया, पकोड़े खाए, भूख लग रही थी तो उसमें स्वाद आ रहा था, किसी से पूछा जाए कि कैसा लगा, सब कहेंगे बहुत अच्छा था, सभी के चेहरे पर कहीं ना कहीं सुख दिख रहा था, खुशी दिख रही थी, लेकिन उस सुख को पाने के लिए भी पहले भूख रूपी दुख से गुजरना पड़ रहा था। और वही पकोड़े मात्रा से थोड़ी ज्यादा हो रही थी तो क्या हो रहा था? आप में से कई सुंदर साथ को पूछा होगा बांटने वाले ने कि थोड़ा और दे दें, आपने मना ही कर दिया होगा, और यदि किसी की थाली में जबरदस्ती दो पकोड़े और डाल दिए होंगे तो उसको खाते हुए दुख हो रहा होगा, है ना? तो मिलने से पहले भी दुख ही था और ज्यादा मिलने पर भी दुख ही था। इसलिए विवेकी व्यक्ति ऐसे सुख को भी इस तरह से त्याग देता है जैसे कि एक दूध से भरा हुआ पात्र है जिसमें थोड़ा सा ही विष डाल दिया जाए तो हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि जहर तो थोड़ा सा ही है, अधिक मात्रा तो दूध की है, पी लेते हैं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। लेकिन क्षणिक सुखों के विषय में ऐसा होता है। चार्वाक का दर्शन भी यही कहता है, नास्तिक का जो दर्शन है चार्वाक का, वह भी यही कहता है कि देखो जिस तरह से भिखारी यदि चौखट पर मांगने के लिए आता है आपके दरवाजे पर, तो आप केवल उसी डर से कि भिक्षुक मांगने के लिए आ जाएगा, भोजन बनाना या कमाना तो नहीं छोड़ते। इसी तरह से हमें भी सुख लेना चाहिए, सांसारिक सुख की प्राप्ति करनी चाहिए, ये चार्वाक का मत है। पर वास्तव में देखा जाए तो यह विष मिश्रित दूध है। इन दोनों से परे है आनंद, जिसको हम रास कह रहे हैं पर समझते नहीं है। आनंद के साथ और कुछ जुड़ा ही नहीं है, आनंद के साथ आनंद ही जुड़ा है। आनंदो ब्रह्म ऐसा कहा जाता है। आनंद किसका स्वरूप है? ब्रह्म का। या ब्रह्म किसका स्वरूप है? आनंद का। दोनों ही एक है। तो ब्रह्म के साथ में आनंद है, आनंद के साथ में ब्रह्म है। यदि हमें उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति करनी हो तो इन दोनों से ऊपर उठना होगा, सुख और दुख दोनों से। और इस दार्शनिक तथ्य को महामती जी ने बहुत ही सरल तरीके से कह दिया कि मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख। दुख से तो हर कोई डरता है, पर सुख से कोई भला डरता है? पर वास्तव में यहां इंद्रावती जी दर्शन की उस बात को दर्शा रहे हैं कि सुख से भी डरना चाहिए, क्योंकि जिसे हम सुख समझ रहे हैं वह तो ऐसा ही है जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले ही इस वर्ष तो 2 महीने की बीतक सुनी और उसी बीतक में कुछ उदाहरण सुने, चाहे वह दीप बंदर का जयराम भाई कंसारा का दृष्टांत हो, जिसमें श्री जी समझा रहे हैं कि कोई न अघाया इनमें चचोड़त ठौर मुर्दार। हम जिसको सुख समझ रहे हैं, एक दृष्टांत जिसे लगभग हम सब ने सुना, लेकिन हो सकता है कि कोई नया हो, उसके लिए मैं इसकी आवृत्ति कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि एक व्यक्ति जंगल में था, उसको एक हाथी भगाता है, जंगली हाथी। वो भागते भागते कहीं कोई तरीका न देख करके एक मोटे से पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता है और काफी ऊपर पहुंचता है कि हाथी की सूंड भी उस तक न पहुंच पाए। अब हाथी भी बलवान गुस्से में था,
वो उस पेड़ को सूंड से लपेट करके हिलाना शुरू करता है और अपने सिर से धक्का मारना शुरू करता है। हाथी के द्वारा मिल रहे झटके से जब पेड़ हिलता है तो वो इंसान ऊपर से गिर जाता है। गिरते गिरते एक डाली को वो पकड़ लेता है। अब वो डाली में लटका हुआ है, नीचे हाथी, जिस स्थान पर वो लटका हुआ है उसके सीधे नीचे एक कुआं है, सूखा कुआं, जिसमें सांप है, बिच्छू है, ऐसे जहरीले प्राणी हैं। अब वो नीचे देखता है, सोचता है कि हाथ छूटेगा तब भी मैं मरता हूं, यदि मैं कुएं से बाहर गिरता हूं तब भी मैं मरूंगा, हाथी मारेगा, अंदर गिरता हूं तो सांप मारेंगे। अब कस के उस डाली को पकड़ लेता है, ऊपर देखता है डाली की तरफ कि कितनी मजबूत डाली है, कहीं टूटेगी तो नहीं, तो देखता है कि जिस डाली को उसने पकड़ा हुआ है उसे दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद चूहा है एक काला चूहा है, उस डाली को कुतर रहे हैं। अब सोचता है कि बचने का कोई उपाय नहीं है, कभी ना कभी तो गिरना ही है, और ऐसे दुख की घड़ी में कौन याद आता है, दुख में सुमिरन सब करे, तो वो परमात्मा को याद करने लगता है कि भगवान बचा लो। एक देवदूत आता है अपना विमान लेकर के कि चलो तुमने याद किया है सच्चे दिल से और तुम्हें बुलाने के लिए भगवान ने ये वाहन भेजा है। इतनी देर में क्या होता है, जिस डाली पर वो लटका हुआ है उसी से ऊपर मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें से शहद की एक बूंद टपक करके उसके होठों में लग जाती है, उसको वो चाटता है, पहली बार शहद का स्वाद वो ले रहा है, बहुत मधुर स्वाद उसे लगता है। तो वो देवदूत को कहता है कि ठहरो, बस एक बूंद और लेने दो। थोड़ी देर बाद शहद की एक और बूंद टपकती है, अब उसको लालच और अधिक बढ़ रहा है उसका, तो देवदूत को वो मना करता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, ऐसे एक बूंद करते करते देवदूत का समय हो जाता है, कहीं कोई दूसरा डाली में लटका होगा, इधर वो डाली भी चूहे उतर लेते हैं। अब आगे क्या परिणाम हो सकता है आप समझते हैं, क्षणिक सुख का बंधन कुछ ऐसा ही है। मृत्यु रूपी हाथी है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दिन रात रूपी चूहे कुतर रहे हैं, सद्गुरु रूपी देवदूत तारतम्य ज्ञान रूपी विमान लेकर के आए हैं, लेकिन हम उस क्षणिक सुख के चक्कर में फंसे हुए हैं जो कि दुख देने वाला है। पहले भी दुख था और डाली से गिरने के बाद भी दुख ही था। आनंद देने वाला ब्रह्म का स्वरूप सदगुरु को भेजता है, लेकिन वह उस क्षणिक तृष्णा के चक्कर में फंसकर सदगुरु को नजरअंदाज कर देता है और उसका परिणाम क्या होता है आप समझ ही सकते हैं। यदि हम उस परिणाम की अपने जीवन में पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते हैं तो हमें समझने की आवश्यकता है कि जागनी रास क्या। पहले हमने थोड़ा सा समझा कि रास किसे कहते हैं, रास कहते हैं आनंद को। हम क्या सोचते हैं कि रास का तात्पर्य डांडिया होगा, गरबा होगा, नाचना होगा, विभिन्न प्रकार की रामतें होंगी, ये पूरी तरह से गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रामत गलत है, नृत्य गलत है, गायन गलत है, वादन गलत है, ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है, हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की भावना है, कोई भी भावना, हम उसको कैसे किसी न किसी तरह से व्यक्त तो करेंगे ही। शरीर उन भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है। जब हृदय में आनंद होता है तो सभी के व्यक्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई आंख बंद करके झूमने लगता है, कोई गाने लगता है, कोई नाचने लगता है, अलग अलग तरीके होते हैं। उस समय जब रास की लीला हुई योगमाया के ब्रह्मांड में, ब्रज से इस नश्वर तन को छोड़ करके पंचभौतिक विकार से युक्त तन को छोड़ करके हम पहुंचे, वहां हमने उस हृदय में जो आनंद था
उसे नाच करके या विभिन्न प्रकार की रामतों से, नाटकों से, लीलाओं से व्यक्त किया। अब जागनी के ब्रह्मांड में उसे व्यक्त करने के साधन भिन्न हैं। अब केवल हम उसका नाटक करें, उसी की पुनरावृत्ति करें कि गरबा करना है, घूमना है, तो ये पर्याप्त नहीं है। प्रारंभ तो है ये, लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि रास में जिस तरह से नृत्य करके आनंद लिया, उस आनंद तक जब पहुंची थी आत्माएं, तो वहां उनके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं था। उनकी जो अवस्था थी वो अवस्था आज हमारी नहीं है। जब रास में हम ही सब नाच रहे थे ना, उनकी का मतलब हम सब की, तो जब हम ही नृत्य कर रहे थे तो न हमें देखने वाला कोई संसारी व्यक्ति था, न हम किसी संसारी व्यक्ति को केंद्र बिंदु पर रख करके नाच रहे थे, या न हम किसी और को केंद्र बिंदु में रख करके सज रहे थे। यहां क्या होता है, यहां नाचने वाले के शरीर में भी विकार होता है, होता है कि नहीं? देखिए, यहां हमारे यहां एक प्रधानमंत्री ऐसी भी हुई जो कहती थी कि मेरे जाने के बाद देश का क्या होगा। उनके बाद भी लगभग दर्जन भर प्रधानमंत्री हो चुके होंगे, देश अच्छे से ही चल रहा है, अणु परमाणु में गति चल रही है, हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, हम नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। पर जो जिसको हम अपना प्राणनाथ कहते हैं, प्राणप्रति, प्राण, प्राणेश्वर, प्राणवल्लभ, प्राण का आधार कहते हैं, जिसके बिना काम चलना ही नहीं होता है, उसके बगैर हम काम चला रहे हैं और उसी को ध्यान नहीं दे पा रहे और सोचते हैं कि साल में एक बार शरद पूर्णिमा में पन्ना जी जाकर के दाढ़ियां कर लेने से जागनी रास हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए तो हमें ब्रज की जैसी ही तैयारी करनी पड़ेगी, ब्रज के जैसा ही समर्पण करना पड़ेगा। ब्रज में वह एकाग्रता थी, केंद्र बिंदु में पूर्ण रूप से राजी थे, इसीलिए 52 दिन तक बात नहीं हुई तो विरह हुआ। विरह भी ऐसे थोड़ी हो जाता है, हम ट्रेन में आए या विभिन्न संसाधनों से यहाँ तक पहुँचे हैं। मान लीजिए कि कोई सुंदर साथ फ्लाइट से आया है या ट्रेन से आया है, आपकी बगल में कोई बैठा हुआ था, आप उतर गए खजुराहो रेलवे स्टेशन में या एयरपोर्ट में या सतना में कहीं भी उतरे, दूसरा व्यक्ति जो आपके बाजू में बैठा हुआ था वो भी उतर गए, अपने गंतव्य की तरफ बढ़ा, उसके जाने का दुख हुआ आपको? नहीं होगा। क्यों होगा दुख? दुख तो तब होता है जब उससे जान पहचान या लगाव हो और उससे जुदाई हो। हमें राज्य से प्रेम ही नहीं है तो वियोग का दुख कैसे हो सकता है? वियोग का दुख तो तब होता है जब प्रेम हो। ब्रजमंडल में प्रेम था, लगाव था, इसलिए वियोग का दुख हुआ। वही दुख विरह बन करके 52 दिन तक हमें परेशान करता रहा, और दुख जब विरह की चरम अवस्था तक पहुंच गया तो उसके बाद बांसुरी बजाते ही ऐसा हुआ कि जैसे गुब्बारा है पानी से भरा हुआ, उसमें पिन कर दिया हो किसी ने, तुरंत फट पड़ा और हम पहुंच गए योग माया के ब्रह्मांड में। आज क्या हो रहा है? आज सिर्फ पिन नहीं हो रहा है, आज तो ड्रिलिंग की जा रही है, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ड्रिलिंग कर रहे हैं ना, तब तो एक बांसुरी बजी थी। सोचिए कि 350 साल से लगातार यदि चुभोया जा रहा हो तो उसको ड्रिलिंग ही कहेंगे ना, दिन रात, और उसके बावजूद भी ये बेलून फटने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो इसीलिए हम केवल यदि ये सोचें कि नाच लेने मात्र से, ढोलक की थापर कूद लेने मात्र से जागनी रास हमारी सफल हो जाएगी, तो ये संभव नहीं। उसके लिए तो सबसे पहले हमें पहचान करनी पड़ेगी। आज चूंकि अंतिम दिन का कार्यक्रम है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक के जितने भी विषय हमने सुने वो सभी एक दूसरे के पूरक थे। हमने ब्रह्मवाणी की महिमा सुनी, हमें चित्वनी की महिमा सुनी, हमने प्राणनाथ जी की महिमा सुनी, पहचान सुनी। ब्रह्मवाणी की महिमा ये है कि ब्रह्मवाणी से प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होती है। प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान जब हम करते हैं तो हमें उनके प्रति
प्रेम उत्पन्न होता है, और वही प्रेम जब अपनी चरम अवस्था तक पहुंचता है तो उसके प्रति विरह आना शुरू होता है। फिर हम क्या कहते हैं, दुख थे विरह उपजे, विरहे प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तो नहचे मिलिए हर। इस चौपाई के आधार पर कई बार सुंदर साथ को ये प्रश्न भी उत्पन्न होता होगा कि यहाँ तो पहले दुख की विरह की बात की, फिर प्रेम इश्क की बात की, पहले दुख आता है कि प्रेम आता है। देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक। पहले यदि प्रेम होगा ही नहीं तो उससे वियोग होने का दुख नहीं हो सकता, और दुख नहीं होगा तो प्रेम अपनी चरम अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। तो दोनों एक दूसरे के पूरक। ब्रह्मवाणी पढ़ करके हम राज्य के स्वरूप की पहचान करें जिससे प्रेम करना है। कल की चर्चा में भी हमने सुना और कल भी मैंने कहा था कि जिससे प्रेम करना है उसकी पहचान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी पहचान करें और पहचान करके उसके प्रति उससे प्रेम करें। पहचान होगी तो प्रेम अपने आप ही हो जाएगा। हम एक त्रुटि करते हैं कि पहचान तो की नहीं और प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी शायर ने क्या कहा कि प्यार हो जाता है, करता कौन है? प्यार में मौत से डरता कौन है? लेकिन होता ऐसे नहीं है। आकर्षण तो ऐसे ही हो सकता है, यूं राह चलते भी आकर्षण हो सकता है कि नहीं? जैसे हमने कई बार समाचार पत्रों में पढ़ा है, टेलीविजन में, न्यूज चैनल में देखा है कि कई बार ऐसी ऐसी शिकायतें आती, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है या बार बार उसका पीछा करता रहता है बिना जान पहचान के। केवल देख करके ही तो हो रहा है ना, ये कभी बात की ही नहीं तो जान पहचान कैसे होगी? लेकिन रूप को देख लिया और आकर्षण हो गया। लेकिन प्रेम कब होता है? जब पहचान होती है। और जैसे जैसे गुणों की पहचान होती है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कहीं पर, पता नहीं शायद इसी शरद पूर्णिमा में होगा, कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से जिन जिन गुणों की अपेक्षा रखती है। आप सभी सुंदर साथ बैठ करके उन गुणों को लिखना शुरू करें, अभी नहीं मन ही मन लिखिए कि आप अपने प्रेमी में या प्रेमास्पद में क्या क्या गुण देखना चाहते हैं। लिस्ट बनाइए पूरी, चाहे वो कितनी भी मोटी लिस्ट क्यों ना हो, पूरे ब्रह्मांड के कागज उससे यदि भर जाए उन गुणों से, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो गुण आप राज्य में ढूंढने लग जाए, ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कोई भी गुण देखेंगे और वाणी पढ़ेंगे यदि, तो आपको पता चलेगा कि ये सभी गुण तो हमारे प्रियतम में है। जिस सौंदर्य की हम चाहना रखते हैं वह सौंदर्य का सागर है, जिस मधुर वचन की हम चाहना रखते हैं वह मधुरता के सागर है। मीठी जुबा, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूह, प्यार कहते हैं तो मधुरता का सागर है। जाको नामय रसना होसी, कैसे मीठी हक कहते हैं। हम अपने प्रेमी या प्रेमास्पद से चाहते हैं कि वो 24 घंटे हमारे साथ रहे। इस संसार में तो वो संभव नहीं है, लेकिन राज्य तो पल पल हमारे साथ है। तो आप सभी गुणों की लिस्ट बनाइए, राज्य में वो सारे गुण पाए जाएंगे। और जैसे जैसे हम देखेंगे कि गुणों का सागर तो वही है, तो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होना शुरू होगा। और अब तड़प बढ़नी शुरू होगी कि जब वो गुणों का सागर है, जब वह सौंदर्य का सागर है, आनंद का सागर है, तो हमें उसे पाना है। हमें संसारिक क्षणिक सुख के चक्कर में नहीं फंसना है। और जब हमें पाने की इच्छा है और पा नहीं रहे हैं, तब हमें दुख होगा। और वही दुख की जो चरम अवस्था है उसे हम कहते हैं विरह। विरह का अर्थ क्या होता है? जिसके बिना रहा न जाए। रास में हमारी वही अवस्था पहले हुई 52 दिन के विरह में, और तभी हम बांसुरी बजते ही योग माया में पहुंच पाए। आज हमारी वो अवस्था नहीं आ पा रही, इसलिए 350 वर्षों से ये बांसुरी बज रही है, लेकिन राज्य की तरफ हम नहीं दौड़ पा रहे हैं।
हमारा सारा प्रयास माया की तरफ ही हो रहा है। इसीलिए हम सभी सुंदर साथ एक तो ये नियम बनाए, राज जी ने वाणी में कोई भी बात कही है तो वो ऐसे नहीं, काव्य रचना थोड़ी है, ये हमारी आत्म जागृति के लिए कहा है। तो हर बात में एक रहस्य छिपा हुआ है, ये तर्क करने की वाणी है ही नहीं। हम बने ही तर्क कर ले, बुद्धि से व्याख्याएं करने, पर ये तो तर्क करने की वाणी है ही नहीं। तर्क करना है आप दुनिया के धर्म ग्रंथों में कर लीजिए, पर वाणी, वाणी क्या कहते हैं, विश्वास करीने दौड़सी जेह तारतम लो फल लेसी तेह। तो एक एक चौपाई में हमें एक एक बात बताई गई है कि आत्म जागृति कैसे होगी। तो राज जी ने जो ये कहा कि चर्चा सुन जो दिन ने रात, तो प्रतिदिन चर्चा सुनने की बात ऐसे ही नहीं कही गई है। जब मान लीजिए कि अभी हम, मेरे पास तो ऐसे शब्द भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम राज जी की थोड़ी भी बात कर रहे हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं भाव उत्पन्न हो रहा है, कई सुंदर साथ की आंखें बंद हो रही है, कई सुंदर साथ के मन में ये भाव आ रहा है कि नहीं हमें चितवनी करनी है। सोचिए कि आधे घंटे की चर्चा सुनने से ये प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिदिन हम चर्चा सुने राज जी की तो ये प्रभाव बना रहेगा ना। हमारी कमी क्या होती है कि आज चर्चा सुनी, दो चार दिन के लिए बैटरी चार्ज कर लिए, यहाँ से जाने के बाद दो चार दिन तक उस चार्ज की बैटरी से चलाने का प्रयास किया, फिर लो होने के बाद अगले शरद पूर्णिमा की अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करने लगते हैं। इसीलिए राज जी ने कहा चर्चा सुन जो दिन ने रात। इसी तरह से वाणी मंथन भी प्रतिदिन करने का राज जी ने आदेश दिया है। इसका ये कारण नहीं है कि आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है या आप मूर्ख हैं, ऐसा नहीं है। आपको भले ही 18,758 चौपाई याद हो जाए, पर मंथन प्रतिदिन करना है। मंथन का मतलब ऐसा नहीं कि मैं कई बार सुंदर साथ को देखता हूँ, वाणी का पारायण रखा जाता है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा, पर एक फैक्ट है कि सुंदर साथ अखंड पारायण रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखें। लेकिन जैसे वो ठेके पर काम दिया जाता है ना, तो क्या होता है कि इतने घंटे में पूरा करना है, फिर दूसरा ठेका भी तो लेना है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि एक घंटे के अंदर अंदर दो दो हजार चौपाइयां, मुझे समझ में नहीं आता कैसे निकल जाते हैं, वो मंथन नहीं है वो, उसको आप पाठ समझ लीजिए, उसको आप ठेकेदारी समझ लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए, बुरा मत मानिएगा, पर वास्तविकता यही है। मंथन इसे नहीं कहते। मंथन का तात्पर्य है कि इसके भाव में डूब जाना कि धामदनी हमसे क्या बात कर रहे हैं, वाणी क्या है, राज जी हमसे बात कर रहे हैं और हम राज जी से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें प्रतिदिन वाणी पढ़नी है, प्रतिदिन चर्चा सुननी है। सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर सुंदर साथ का अपना एक अनुभव है। हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है वैसे तो लेकिन सभी का अपना एक अनुभव होता है। जो विधिवत रूप से किसी से प्रशिक्षण नहीं ले पाते या शब्दार्थ नहीं जान पाते, उनके लिए सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुनने से भाव का, प्रसंग का पता चलता है, और प्रतिदिन पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम राज जी से अथवा राज जी हमसे बात कर रहे हैं। जैसे रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, ये कौन कह रहा है, राज जी हमसे कह रहे हैं ना। तो राज जी कैसे बात करें, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। इसी तरह से मागत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, ये कौन कह रहा है। आप इंद्रावती जी मत समझिए उस समय कि इंद्रावती जी कह रहे हैं, आप ये भाव लीजिए कि हम राज जी से ये पुकार कर रहे हैं या हमें राज जी से ये पुकार करनी है। इस भाव से हम प्रतिदिन वाणी मंथन करें और साथ में चितवनी करें, क्योंकि चितवनी महिमा का जो दिन था उस दिन शायद जैनपीठ के किसी विद्यार्थी ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भले ही हमारे हृदय में प्रेम भी हो, ज्ञान भी हो, सेवा की भावना भी हो, लेकिन यदि चितवनी नहीं करते तो तीनों व्यर्थ चले जाते हैं। हमारा प्रेम कब मोह में बदल जाता है वो पता नहीं चलता।
प्रेम और मोह में इतना ही अंतर है कि दुनिया से प्रेम हो जाए तो वो मोह है और राज्य से मोह हो जाए तो वो प्रेम है, बस इतना फर्क। तो बिना चितवनी के ये तीनों गुण जो बहुत अच्छे हैं पर व्यर्थ चले जाएंगे। तो इसलिए प्रतिदिन ब्रह्मवाणी का मंथन, ब्रह्मवाणी की चर्चा का श्रवण और चितवनी और साथ में सेवा, क्योंकि सेवा करने से विनम्रता आती है, पात्रता आती है, तो इनकी आवश्यकता है। जब हम इन गुणों को धारण करेंगे तो समझ लीजिए कि ये हमारी ब्रज वाली रहनी है। सेवा करते हुए हम ये भावना लें कि हम काम कर रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, ये भावना लें। हमें क्या भाव लेना है, मान लीजिए हम घर पर भी काम कर रहे हैं, उसको काम ना समझें, ये सोचें कि हम जिसको खिला रहे हैं वो भी धनी की रूह है, क्योंकि बनाने वाले की भावनाओं का उस वाइब्रेशन का भी तो असर होता है खाने वाले में। तो बनाते समय भी ये भाव लें कि धनी की रूह को हमें भोजन कराना है, या फिर इन बच्चों को इस तरह से भोजन कराना है कि जब हम वाणी पढ़ने बैठे, ध्यान के लिए बैठे, तो ये बच्चा ना रोवे। तो ये ब्रज वाली रहनी हो गई, ठीक है। वाणी पढ़ते समय भी ये भाव लें कि हम राज्य से बात कर रहे, राज्य हमसे बात कर रहे। होता क्या है, एक में उदाहरण, लौकिक उदाहरण, वैसे तो स्वामी जी कहते हैं कि परमधाम की प्रेम की बात में लौकिक उदाहरण नहीं देना चाहिए, पर उसके बिना समझा भी नहीं जाता, पूरी वाणी ही लौकिक उदाहरणों से भरी हुई है। यहाँ यदि किसी लड़की का किसी लड़के के साथ में एक प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है तो दोनों में कुछ बातें होती है, जैसे एक तो फोन पर बात करना, 24 घंटे तो बात नहीं होती है, दिन में मान लीजिए 1-2 घंटे बात हो रही है ना, तो बाकी समय में क्या होता है, हम खाना खा रहे होंगे उस समय क्या सोचेंगे, उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, होता है कि नहीं। हमारे सोने का समय हो रहा होगा तो हम क्या सोचेंगे कि उसका काम सारा खत्म हो गया होगा कि नहीं हो रहा होगा। हम जो जो काम यहाँ कर रहे होते हैं उस प्रत्येक काम में उस प्रेमी या प्रेमास्पद का चिंतन होता है। वाणी पढ़ने से हमें राज्य के सभी गुणों का पता चलता है, सागर श्रृंगार परिक्रमा पढ़ने से परमधाम की लीलाओं का पता चलता है। जब हम उन लीलाओं के आधार पर यहाँ अपनी रहनी बना लेते हैं, जब हम सुबह उठ रहे हैं तो ये भाव नहीं कि हम राज्य को भी साथ में उठा रहे हैं, हम स्नान कर रहे हैं तो उस समय भी ये भाव लें। तो एक इससे क्या होगा, वाणी पढ़ने से और चर्चा सुनने से वो भावलीनता बनी रहेगी। और चितवनी करने से क्या होगा, चितवनी का मतलब अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि हम डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग सुख है ना। दो उदाहरण मैं देता हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा क्योंकि समय भी हो रहा है। एक समय था चिट्ठियों से बातचीत होती थी, है ना, आज चिट्ठी भेजी गई और उसके बाद फिर कब उससे मिले, फिर कब वापस आए। तो वाणी पढ़ने का मतलब है राज्य की चिट्ठी को पढ़ना या व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ना, ठीक है। चितवनी करने का तात्पर्य है कि वीडियो कॉलिंग पे बात करना, और परमधाम में परात्म में जागृति का तात्पर्य क्या है, मिलना, सीधे प्रत्यक्ष रूप से मिलना। ये एक उदाहरण। दूसरा कि मैं खेल के दृष्टांत को मैं बार बार दिया करता हूं। एक सुख होता है, जैसे पहले के समय में क्या होता था, हर घर में जब टीवी नहीं हुआ करती थी, जो बूढ़े बुजुर्ग जो क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं उन्हें पता है कि अगले दिन समाचार पत्रों में जो समाचार पत्र छपता था तो उसे लोग पढ़ते थे, और उस स्कोर कार्ड को पढ़ करके भी लोग आनंदित होते थे कि इसने इतने बॉल पे इतने रन बनाए, ये वो, ठीक। उसके बाद रेडियो आए घर घर में तो कमेंट्री सुन करके भी लोगों को बहुत आनंद आता था। फिर टीवी आया, टीवी में देख करके स्टेडियम में जाकर के देख करके भी लोगों को आनंद आता है, और एक आनंद होता है खेलने का आनंद, ठीक है। तो जब हम वाणी पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम उस खेल की कमेंट्री को पढ़ रहे हैं कि परमधाम में कैसी लीला होती है, राज्य के श्रृंगार का स्वरूप का वर्णन कैसा है। इसी तरह से जब हम चितवनी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम टेलीविजन में खेल को देख रहे हैं, परमधाम की लीला को राज्य को देख रहे हैं। और जब सभी लोग उस अवस्था पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जागनी रास की हम बात कर रहे हैं, वाणी क्या कहती है, खेलसी रास मिल जागनी 36,000 सयन, आपको अकेले को ऐसे अलग से आनंद तो नहीं मिलने वाला। तो जब सभी की जागनी हो जाएगी यहाँ पर, तो हम जब परमधाम में जागृत हो जाएंगे तब हम खेलने का आनंद लेंगे। तो इसलिए
मुझे लगता है कि हमें कुछ बातें तो समझ में आ गई हैं कि जागनी रास किसे कहते हैं, हमें कैसे मनाना चाहिए। जागनी के ब्रह्मांड में हमारे पास एक सौभाग्य है, दो बातें, एक सौभाग्य भी है सकारात्मक पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष ये है कि तीन लीला चौथी घर की इन चारों को यामे भोग परम धाम में भी जो हमें पहचान नहीं थी, बिना पहचान के हम बस आनंद में डूबे जा रहे थे, यहाँ पहचान के साथ में आनंद है। ब्रज का आनंद भी हम यहाँ ले सकते हैं, रास का आनंद भी ले सकते हैं, सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी के द्वारा जो आनंद मिल रहा था उसे भी ले सकते हैं और परम धाम के आनंद को भी ले सकते हैं। ये एक सकारात्मक पक्ष है। एक नकारात्मक पक्ष ये है कि ब्रज में भी प्रेम करने के लिए एक आधार प्रत्यक्ष दिख रहा था, रास में भी जिसको हम प्रेम कर रहे थे वो प्रत्यक्ष था, परम धाम में तो है ही, लेकिन यहाँ हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ प्रेम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितनी कठिन परीक्षा होगी उसका परिणाम भी उतना ही सुखद होगा, उतना ही आनंददायक होगा। इसीलिए यह हमारी परीक्षा है कि राज्य अभी दिख नहीं रहे हैं, फिर भी केवल वाणी पढ़ करके, वाणी का आधार तो है ना, उस समय वाणी नहीं थी इसलिए आधार था, आज वाणी रूपी ही आधार है। और इस जागनी के ब्रह्मांड में हम कौन सा सुख ले सकते हैं, वाणी कहती है एक सुख सुपन्न के तुझे जागती ज्यो होए, तीन लीला पहली ए चौथी फरक एता इंदोय। तो यहाँ हम पहले की तीनों लीला का भी आनंद ले सकते हैं और जागनी के ही ब्रह्मांड में हम सारा का सारा आनंद जागृत अवस्था में समझते हुए ले सकते हैं। यही वास्तव में जागनी रास से यही वास्तव में आनंद है और इसी आनंद को ही जागनी रास कहा जाता है। हमें हमारा संपूर्ण प्रयास इसके लिए करना है। आपको नाचने का मन होता है, आप धनी को रिझाने के लिए नाचिए, मैं ये इसके लिए मना नहीं करता कि मैं सबके पांव बांध दूं, नाचना नहीं है, पर शरीर को आप नचा रहे हैं ठीक है, पर आत्मिक रूप से राज्य को रिझाइए, उसमें अधिक आनंद है। शरीर के नृत्य में सुख है पर आनंद इससे भिन्न विषय है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, और उसी आनंद को दिल में बसाना ही जागनी रास है। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। सबको प्रणाम जी।